नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। शिप्रा तैराक दल ने आज शिप्रा नदी में नहाने के दौरान डूब रहे एक युवक की जान बचाई और उसे तत्काल उपचार के लिए दोपहिया वाहन से ही जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि घटना के बाद सूचना देने पर भी कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया था, जहां उसे दोपहिया से जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। अभी रामघाट के पीछे मुक्तनाथ मंदिर के पास में एक व्यक्ति डूब रहा था, उसको हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। उससे पानी ज़्यादा पी लिया था, उसका पानी पीने के कारण थोड़ा सा घबरा कर वो पूरा सांस वगैरह तोड़ दी। उसको परेश वगैरह करके हम लोगों ने उसको सही तरीके से निकाला और अभी सांस चलने लग गई। 20 से 25 मिनट हमने रुका, सारे पुलिस वगैरह वालों को कॉल किए जो भी यहाँ पे आसपास है, उन सबको कॉल किए। गाड़ी लेट आने के कारण फिर हम लोगों ने उसकी व्यवस्था जमाई और गाड़ी पे उसको लेके गए। हम लोग गाड़ी पे लेकर गए एक्टिवा पर अस्पताल के लिए, दवाई वगैरह के लिए। यहाँ पर अव्यवस्थित है अभी पूरा, अभी आपको माहौल दिखी जाएगा व्यवस्थित अव्यवस्थित तरीके से। पुलिस प्रशासन मतलब लापरवाह इस तरीके से, और अच्छा तरीका होता तो आज अगर नगर निगम भी, जिसे बच्चे वगैरह गिर रहे हैं पानी के ऊपर कंजी के कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसी यहाँ पर। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।